हेलो डियर फ्रेंड्स इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट मोल कंसेप्ट हो गया आपको मोल कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर चलिए उसको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और आप भी देखते जाना कि आपका मोल कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द फॉलोइंग ठीक है इससे पहले एक बढ़िया क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ये इससे थोड़ा बेसिक है इसमें बाद में आते हैं चलिए पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला वट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन इन ग्राम एक कार्बन एटम का आपको ग्राम में फाइंड करना है तो आपको पता है कि कार्बन का जो है मास वो क्या है ट्वेल्व ग्राम पर मोल अब इसका क्या मतलब होता है ट्वेल्व ग्राम पर मोल मतलब कि इतने कार्बन एटम का 6.022 पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस्ट टू ट्वेंटी कार्बन एटम का मास जो है वो 12 कार्बन 12 ग्राम तो एक कार्बन का वेट क्या होगा तो मैं ये ऐसा कर सकता हूं कि 6.022 पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस्ट टू ट्वेंटी थ्री कार्बन एटम इसका जो मास है वो है ट्वेल्व ग्राम तो वन कार्बन एटम का कितना होगा हाउ मच विल बी तैयार दर फोर

एक कार्बन एटम का वेट इतना आता है तो यहां पे गलती है माइनस ट्वेंटी थ्री करना है आ गया समझ में वेरी सिंपल चलिए आगे बढ़ते इससे भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पहला आपको दिया है ट्वेल्व ग्राम ऑफ आर्गन। दूसरा आपको दिया है फिफ्टी टू यूनिट ऑफ हीलियम एटॉमिक मास यूनिट थर्ड प्रॉब्लम इज फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम ठीक है तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं पहला देखिए फर्स्ट वन इज 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अब मैंने कल ही आपको एक फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि यहां पे नंबर ऑफ आर्गोन एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोला एवो नंबर ये फॉर्मूला है अगर आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए तो आपको दिए फिफ्टी टू नंबर आपको पता है कितना है एवो गड्रो नंबर में फिफ्टी टू मल्टीप्लाइड बाई सो फिफ्टी टू मल्टीप्लाइड बाई सो टू टू कितना आ रहा है थ्री वन थ्री वन थ्री पॉइंट वन डबल फोर मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए तो लेफ्ट साइड मुझे दो जंप लगाने होंगे लेफ्ट साइड इंक्रीज पावर राइट साइड डिक्रीज पावर तो आंसर ये रहेगा थ्री पॉइंट वन थ्री वन फोर फोर मैक्सिमम चार डिजिट लिखिए राउंड करके या तो तीन भी लिख सकते हो वन थ्री वन फोर यहां तक मैं रखता हूं और वन फोर फोर भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये होगा दो पावर इंक्रीज क्योंकि मैंने दो जंप लगाए हैं लेफ्ट साइड दिस नंबर ऑफ आर्गोन एटम्स आर दैट आ गई बात समझ में चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 52 यूनिट ऑफ हीलियम सेकंड प्रॉब्लम आपको पूछा है 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मास इन ग्राम पर मोल एंड मास इन

तो मुझे दिया है फिफ्टी टू यूनिट टोटल तो पता ये लगाना है कि कितने हीलियम एटम होंगे तो सीधा आंसर आएगा फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू थर्टीन हीलियम एटम्स प्रेजेंट यह तो सीधा साधा है इसमें कोई मोल कॉन्सेप्ट का काम ही नहीं है वन यूनिट फोर यूनिट मतलब वन हीलियम एटम दैट फिफ्टी टू यूनिट मीन्स हाउ मच हीलियम एटम अब मैं तीसरा प्रॉब्लम जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ग्राम में और ये फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम तो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम नंबर थ्री उसमें बोला है फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम और आपको पूछा है कि इसमें कितने हीलियम एटम होंगे उ मेनीलियम एटम्स आर प्रेजेंट तो पहला काम करिए मोल्स ऑफ हीलियम फाइंड करिए मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल टू पहले कितना वेट दिया है हीलियम का वो लिखिए वेट ऑफ हीलियम नीचे लिखिए ऑफ हीलियम ये फॉर्मूला में हीलियम हीलियम में हीलियम के लिए कर रहा हूं तो उसका नाम लिख रहा हूं वरना फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम चलिए वेल्यू डाल दीजिए मोल्स ऑफ helium इज इक्वल टू क्या करेंगे आप फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय कितना मास है फोर तो ये आएगा थर्टीन मोल्स ऑफ helium अब आपको क्या फाइंड करना है बोलिए नंबर ऑफ हीलियम एटम्स क्या करेंगे बताइए मुझे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय नंबर मोल कितने मिले मुझे थर्टीन एवोगेड्रो नंबर क्या है सिक्स पॉइंट जीरो कल के जो मैंने चार्ट्स फॉर्मूले दिए वही मैं यूज कर रहा हूं चलिए आप कैलकुलेटर काम पे लगाइए क्या करेंगे थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू कितना आ रहा है सेवेंटी एट पॉइंट टू एट सिक्स सेवेंटी एट पॉइंट टू एट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन इज ट्वेंटी थ्री साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि उसमें चेंज करना है वन डिजिट मुझे लेफ्ट साइड जंप लगाना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा सेवन पॉइंट एट टू एट सिक्स अब जितनी डिजिट तक आप राउंड अप करना चाहो कर सकते हो एक मैंने जंप लगाया तो मैं एक प्लस करूंगा लेफ्ट साइड तो आंसर मेरे पास आएगा वो है सेवन पॉइंट एट टू एट सिक्स ये रहा आपकी स्क्रीन पे सॉल्व किया हुआ भी है लेकिन जो चीज़ मुझे समझानी है हमारे फॉर्मूला तो आप ये तीन पहले देख लीजिए ठीक तरह से फिर वीडियो पोज करके अपने आप करिए सोचिए कि क्या करना है मूल कंसेप्ट मुझे बहुत ही क्लियर चाहिए ठीक है एकदम क्लियर चाहिए तो ये सेकंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट मैंने ख़त्म किया ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा ठीक है चलिए और कुछ फॉर्मूला काम में आता है तो थड़ के ऊपर जाते हैं यह भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है आप आंसर बिल्कुल नहीं देखेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम चलिए क्या पूछा है आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स सेवनटीन मोल ऑफ आर्सेनिक सेवनटीन मोल ऑफ क्लोरिन

एटम्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर कितने मोल्स से मोल तो इसमें भी आंसर आएगा है आप आंसर मत निकालो क्योंकि आंसर सीधा वन लाइन में आएगा अब तीसरे में क्या है देखिए वो क्या है सेवनटीन मोल लिथियम तो एटम्स ऑफ लिथियम क्या करेंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ओगेड्रो नंबर मोल्स कितने हैं मोल्स कितने हैं सेवनटीन एवोगेड्रो नंबर एन है तो सब में सेम एटम आएंगे है कि नहीं तो यही तो आंसर यहां पे लिखा था कि ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम यहां पे भी सेवनटी सेवनटीन एन है यहां भी सेवनटीन एन है मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आपको नहीं ढूंढना है एन के फॉर्म में लिख दो चलेगा सब में मल्टीप्लाइड सेवेंटीन मल्टीप्लाइडेड्रो नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑल दिस सेवनटीन मोल आर्सेनिक मोल मोल क्लोरीन एंड ऑफ लिथियम दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स ठीक है चलिए आगे देखते हैं ये तो आप भी कर सकते हो क्या पूछा है फाइंड द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ये तो सीधा आंसर है सॉल्यूशन बताओ तो वही कार्बन वाला जैसे किया था 16 ग्राम मोल इनवर्स इसका मतलब क्या होता है 16 ग्राम तो मतलब कि एक मोल ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम होता है एक मोल मतलब माने कि कितने ऑक्सीजन एक मोल माने कि 6.022 6.022 मल्टीप्लाइड बाय टू स्टू 23 ऑक्सीजन तो अगर इतने ऑक्सीजन का वेट सिक्सटीन ग्राम है तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा ऐसे लगा दो सिक्स 16 ग्राम वेट हाउ मच कंटेन सिक्सटीन ग्राम वेट तो वन ऑक्सीजन एटम वन ऑक्सीजन एटम कंटेन हाउ मच तो सिक्स पॉइंट सो टू टू इज इक्वल टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाय टेन टू ट्वेंटी थ्री तो अब सिक्सटीन डिवाइडेड सिक्स करो. जीरो पॉइंट टू टू निगलेक्ट करो आंसर आंसर जो है नियर ही आएगा सिक्सटीन डिवाइडेड बाई या तो आप यूज कर रहे हो तो पूरा डिजिट कर दो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री ट्वेंटी थ्री ग्राम ये एक ऑक्सीजन का वेट हुआ आंसर चेक कर लो टू पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम सही है ना तो ऐसे सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन लिख लेना चलिए आगे बढ़ते हैं क्या पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन टू फिफ्टी ग्राम तो यहां पे सीधा आंसर है मैं जरा सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को हाउ मेनी आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन नहीं पूछा है आपको पूछा है कार्बन एटम्स सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा ठीक थिक तरह से ठीक है तो पहले मैं फाइंड करूंगा मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मास आप फाइंड करिएगा कैल्शियम का 40, 40, कार्बन का 12, का कार्बन एक ऑक्सीजन तो वो आप पहले रफ में फाइन कर लीजिएगा मैं सीधा आपको यहां पे दे रहा हूं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना वेट लेते हो आप डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट मोलार मास कितना है इसका तो मुझे मोल फाइंड करना है तो वेट तो मुझे दिया है टू फिफ्टी ग्राम मोलार मास है इसका हंड्रेड ग्राम पर मोल इसका मोलार मास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का हंड्रेड ग्राम मोल इनवर्स आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फाइंड कर लीजिए कैल्शियम का फोर्टी कार्बन का ट्वेल्व एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो मेरे पास मोल कितने आए मोल आए मेरे पास देखो मोल आए मेरे पास 2.5 कितने आए 2.5 250 डिवाइडेड बाय 100 अब मोल में से मुझे निकालने है कि मेरे पास कितने मोलेक्स ये एटम नहीं है सी एस थ्री इज अ मोलेक्यूल तो मुझे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास कितने कैल्शियम कार्बोनेट तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ए मोल्स कितने हमने फाइंड किए टू पॉइंट फाइव और एगेड्रो नंबर हमारा कितना है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाय टेन टू ट्वेंटी थ्री चलो मल्टीप्लाई करो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू देखिए स्क्रीन के ऊपर कितना आया बोलिए 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 जल्दी कितना आया वन फाइव जीरो आंसर आ रहा है वन फाइव जीरो पॉइंट फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है मुझे तो दो डिजिट मुझे लेफ्ट साइड जम्प करना पड़ेगा तो वन पॉइंट फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री ये मुझे मिले नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेकिन मुझे ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करो मुझे पूछा है नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करो वन कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन वन कार्बन देन वन पॉइंट फाइव जीरो डबल फाइव कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन हाउ मेनी कार्बन अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कार्बन है तो मेरे पास जितने कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कितने होंगे वन पॉइंट फाइव जीरो डबल फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन हाउ मच कार्बन ठीक है तो यही आंसर आएगा एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कार्बन तो मेरे पास कितने इतने कैल्शियम कार्बोनेट है तो, तो कितने कार्बन अगर मुझे ऑक्सीजन पूछा होता तो क्या करता अगर मुझे कैल्शियम पूछा होता तो क्या मैं करता एक मोल अगर मैं मोल की लैंग्वेज में डिस्कस करूं तो यह भी बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है एक मोल अगर मेरे पास आप जरा सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है मेरे पास एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है मैं ऐसे भी जा सकता था एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल कार्बन है एक मोल तो 2.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल कार्बन होंगे 2.5 मोल समझ रहे हैं मेरी बात पहले मोल कार्बन के फाइन कर लेता फिर मोलिकूल फाइन करता एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर मुझे ऑक्सीजन पूछा होता तो मैं ऐसे करता एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं लेता हूं सी थ्री तो उसमें थ्री मोल्स ऑक्सीजन होते हैं थ्री मोल्स ऑक्सीजन ओ तो मेरे पास कितने टू पॉइंट फाइव मोल कैल्शियम कार्बोनेट है कितने टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री करो टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई ये पूछा नहीं है मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको सेवन पॉइंट फाइव आएगा शायद आगे सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई कितना आया सेवन पॉइंट फाइव तो अब सेवन पॉइंट फाइव मोल ऑक्सीजन आया तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई करो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो ये ग्रीन वाला सॉल्यूशन एक्स्ट्रा है आपको समझाने के लिए अगर आपको ऑक्सीजन पूछा होता तो आप ऐसे करते बाद में टू पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव मोल ऑक्सीजन आपको मिलता तो उसको एवोगेड्रो से और ये भी बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट इतने हैं डबल फाइव टेन टू ट्वेंटी थ्री अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट में तीन ऑक्सीजन है तो ये इतने जो है मेरे पास वन पॉइंट फाइव कितने होंगे ऐसे भी आप कर सकते हो वन कैल्शियम कार्बोनेट में तीन ऑक्सीजन पूछा नहीं है अगर पूछा होता तो मैं समझा रहा हूं कभी ये भी इसको चेंज करके आपको ऐसे भी पूछे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताओ तीन ऑक्सीजन है उसके पास तो मेरे पास कितने हैं वन पॉइंट फाइव जीरो डबल फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी थ्री कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कितने ऑक्सीजन होंगे तो कुछ नहीं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास कैल्शियम कितने होंगे जितने कैल्शियम कार्बोनेट होंगे उतने ही कैल्शियम होंगे क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम है लेकिन ऑक्सीजन तीन है तो जितने कैल्शियम कार्बोनेट हो उससे तीन गुण ऑक्सीजन होंगे तो आपको उसमें जो एटम है वो भी पूछा जा सकता है तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो कंसेप्ट में लेने जा रहा हूं उसको आप सिर्फ हेडिंग लिख लेना डिफाइन परसेंटेज कंपोजिशन इन कंपाउंड हाउ डिसाइड द परसेंटेज जो मेरे साथ वेकेशन बेंच में ब्रिज कोर्स में जुड़े थे ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी आता है टेंथ स्टैंडर्ड में भी आता है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी आपको लिखना नहीं है ठीक है सीधा जो मैं बोलता हूँ वो फार्मूला लिख लो ये वाला फार्मूला लिख लो आपके पास लिखा ही है ब्रिज कोर्स वालों ने ये वाला फार्मूला लिख लो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको मास परसेंटेज फाइंड करना हो, है ना? तो पहले मास ऑफ दैट एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना हो कंपाउंड में तो पहले आप उस एलिमेंट का मास ले लो जितना हो दो एलिमेंट हो तो दो का टोटल कर लो उसमें जैसे कि ऑक्सीजन तीन है तो सिक्सटीन नहीं लेंगे फोर्टी एट लेंगे कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन दो है तो वन ग्राम नहीं लेंगे दो ग्राम लेंगे कार्बन तीन है ठीक है तो ट्वेल्व ग्राम नहीं लेंगे तीनों का टोटल करेंगे थर्टी सिक्स ग्राम लेंगे ऐसे तो ये जो लिखा है ना मास तो पहले सिर्फ ये फॉर्मूला है वो हेडिंग लगा दो पहले डिफाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाद में ये फॉर्मूला लिख लो चलो ये वाला मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय मोलर मास अब मैं एक दो का बताता हूं आपको कितने स्टेप्स करने होते हैं अब कुछ नहीं लिखना है सिर्फ वो फॉर्मूला अब चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको ये पूछता हूँ कि फाइंड आउट परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन एच तो पहला काम आपको ये करना है कि H2O का फाइंड करना है H2O का ओ का मोलारमास में टू हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक ग्राम दो एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन ग्राम यूनिट लास्ट में एक बार ही लिखना तो टोटल आएगा एटीन ग्राम मोल इनवर्स ये मोलार मास अब ये फॉर्मूला लिखना हर एक बार जब सोल्व करो तो एक बार ये फॉर्मूला लिख लेना ये मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा अब चलो आपको इसमें कितने एलिमेंट है वो देख लो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ठीक है चलिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करो कितने हाइड्रोजन है तो दो ग्राम मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड मोलार मास कितना तो के एटीन तो टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन करो ठीक है टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन कितना आया एलेवन पॉइंट परसेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको फाइन करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड मोलर मास तो 1600 डिवाइडेड बाय 18 करो 1600 डिवाइडेड बाय 18 कितना आया 88.88 परसेंट 89 भी बोल सकते हो क्योंकि राउंड अप करेंगे तो 88.89 परसेंट देखिए अब ऑक्सीजन का तो आप ऐसे भी फाइन कर सकते हो लास्ट एलिमेंट का आप अगले वाले सब का टोटल करके 100 में से माइनस कर दो क्योंकि परसेंटेज टोटल 100 ही होंगे सब एलिमेंट के आप कैसे चेक करते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है ये 88.89 एंड 11.11 परसेंट 100 हो जाना चाहिए 99.98 होता है 99 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है 99. पॉइंट समथिंग हो तो टेंशन नहीं है क्योंकि राउंड अप में हम कुछ गलतियां करते हैं तो उसके मार्क्स कटते नहीं है एग्जाम में समझ गए तो इसका टोटल लगा दो अब ऑक्सीजन का तो मैं ऐसे भी फाइन कर सकता था लास्ट एलिमेंट का आप ऐसे भी फाइन कर सकते हो ना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्वल हंड्रेड माइनस इलेवन पॉइंट इलेवन ऐसा करते हंड्रेड माइनस इलेवन पॉइंट इलेवन तो भी आपका आंसर आ जाता है एटी एट पॉइंट एटी नाइन परसेंट आता ना ऐसे ठीक है चलिए ये लिख लीजिए यहाँ मुझे दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है आगे बढ़ रहा हूँ मैं ठीक है तो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बुक में दिए हैं वो सब करने हैं आपको ये निकाल दो अब मैं एक बार देख लो आप ऐसे फाइंड करना है अब कितने एलिमेंट दिए हाँ इथेनॉल दिया इथेनॉल का फाइंड करते हैं चलो ये निकाल देता हूं चलो अब इथेनॉल का फाइंड करो तो पहले आपको लिख लेना है इथेनॉल यहां से चलो आप सॉल्यूशन मत देखना बहुत इजी है ठीक है इथेनॉल का मोलार मास फाइंड करो सी टू एच फाइव ओ एच मोलार मास में आप लिखेंगे टू कार्बन प्लस सिक्स हाइड्रोजन आपने पहले भी फाइंड किया है प्लस ऑक्सीजन सिक्स जो ऑक्सीजन नहीं है सिक्स हाइड्रोजन है उस टाइम में भी गलती यही हुई थी सिक्स हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन कार्बन का आपको पता है कितना है ट्वेल्व देखिए टू इंटू ट्वेल्व आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो आपका मैथमेटिकल पावर अच्छा है तो सीधा भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सिक्सटीन गलती नहीं होनी चाहिए वरना लास्ट आंसर गलत आएगा सिक्स प्लस सिक्सटीन राउंड फिगर लेना ये पॉइंट पॉइंट वाला फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स एट में मत जाना सीधा राउंड फिगर मैंने जो आपको वेकेशन में बोला था यही राउंड फिगर में ही लिखना फोर्टी सिक्स आएगा बस फोर्टी सिक्स ग्राम मोल इनवर्स अब कुछ नहीं है एक एक एलिमेंट ले लो कार्बन कितने हैं ट्वेंटी फोर तब तो ले लो परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डाउन साइड मुलामास फोर्टी सिक्स एक बार फार्मूला लिखना कंपल्सरी है फॉर्मूला याद करके लिख लो फिर चाहे जितने एलिमेंट हो डायरेक्ट वैल्यू डालो ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर्टी सिक्स करो कितना आया फिफ्टी टू पॉइंट फिफ्टी टू पॉइंट सेवेंटीन परसेंट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करो क्या करेंगे बोलिए मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स करो चलो फटाफट सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स कितना परसेंटेज आया थर्टीन पॉइंट जीरो फोर अब इन दोनों को ऐड कर दो और लास्ट का फाइन करने के लिए हंड्रेड में से माइनस कर दो और नहीं करना हो तो ऐसे करो यही फॉर्मूला तीसरी बार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है भाई साहब कितने ऑक्सीजन है सिक्सटीन एक ऑक्सीजन ही है तो लिख लो यहाँ पे सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स क्या हुआ सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स क्या आंसर आया 34.78 फोर पॉइंट अब तीनों को ऐड करो अगर नियर अबाउट हंड्रेड नहीं आता है पहला ये 34.78 प्लस प्लस, प्लस 13.04 13.04 प्लस आगे क्या है थर्टी टू फिफ्टी टू पॉइंट सेवेंटीन फिफ्टी टू पॉइंट सेवनटीन कितना आंसर आ रहा है आपका नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन मतलब कि आ गया हंड्रेड समझ गए हो गया लिख लिया चलिए अब हम लोग कुछ कंपाउंड में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो आप लिस्ट करिए और अब फाइन करिए जिन लोगों ने आता है वो नहीं करेंगे तो चलेगा जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है वो लोग करेंगे मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ पहले मुलारमास फाइन कर लेना उसके बाद आप क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड करना आपका आंसर सही है कि गलत आप कैसे डिसाइड करेंगे टोटल हंड्रेड हो जाना चाहिए ठीक है तो देखिए ये पहला आप लिस्ट कर लेना पहले फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एच मास आपने वन टू थर्टी फाइंड किया बाद में लिखिए एच टू एस ओ फोर तीसरा लिखिए सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये ग्लूकोज फोर्थ लिखिए एन एच टू एन एच टू यूरिया का फॉर्मूला फाइव लिखिए सब एलिमेंट के परसेंटेज प्रपोर्शन पहले मास फाइंड कर लो बाद में सब एलिमेंट के परसेंटेज प्रपोर्शन फाइंड कर लो ठीक है यूरिया एन एच टू एन एच टू उसके बाद कौन सा ये ये वाला ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट अभी अभी हमने फाइंड किया उसमें भी परसेंटेज कैल्शियम का फोर्टी है फोर जीरो पूरा मास हंड्रेड है और ये लास्ट वाला लिख लीजिए वाटर का हमने फाइंड किया इथेनॉल का फाइंड किया ठीक है तो अब ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड एच और एक ऐड कर लेते हैं जो हमारा बहुत फेवरेट कंपाउंड है वो एन एस सी एल सोडियम क्लोराइड टेबल सोल्ट ना तो प्रैक्टिस कर लेना अगर आपने की है प्रैक्टिस ब्रिज कोर्स में तो करने की जरूरत नहीं है आपके पास ये सब परसेंटेज प्रपोर्शन आपने किए ही है ठीक है तो चलिए हम नेक्स्ट थियोरी की ओर बढ़ते हैं ओके अब आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए चलिए ट इज एम्पेरिकल फॉर्म्यूला एंड वॉट इज मोलिकुलर फॉर्म्यूला पहले एम्पिरिकल फॉर्म्यूला जो है उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट दिंपलेस्ट वर्ल्ड नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड यह है एम्पेरिकल फॉर्मूला में बाद में एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है publicly molecular formula the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of compound but safe definition safe definition empirical formula and molecular formula चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए एक दो एग्जाम्पल में एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या फर्क है हो जरा आप देखना एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में कौन सा फर्क है ठीक है चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं एक्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोलेक्र फॉर्मूला ये पहले भी मैं समझा चुका हूं मोलेक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है सी टू एच फाइव ओ एच तो ये क्या हुआ सी टू एच सिक्स ओ ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला इथेनॉल का इसमें क्या कॉमन है टू सिक्स एंड वन टू कार्बन सिक्स कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ वही सी टू एच सिक्स ओ तो काफी कंपाउंड ऐसे है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में कोई फर्क नहीं है एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका सिंपलेट सिंपलेस्ट रेशियो है सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो और मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट वॉल नंबर रेशियो है कि इतने ही होते हैं चलिए इसमें थोड़ा नहीं समझ में आएगा और एक एग्जाम्पल में ले लेता हूं चलिए एग्जाम्पल टू एसिटिलिन सी टू एच टू ये कंपाउंड आपने देखा है एम्पेरिकल मैंने अगले एक दो वीडियो में भी समझाया है आप लोगों को ठीक है इसमें क्या कॉमन है ये मोलेक्यूलर फॉर्मूला है ये पॉसिबल फिक्स्ड रेशियो है ये मोलिकुलर फॉर्मूला है दो कॉमन निकाल दो तो सी एच जो है वो इसका है। है? एम्पेरिकल लेके समझाया था आ गया ना याद आप देख दो एग्जाम्पल और लिखो चलिए मैं सुगर का फॉर्मूला लिखता हूं सी नहीं शुगर नहीं ग्लूकोज का लिखता हूं सी सिक्स एच टिक्स ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये पॉसिबल मैक्सिमम रेशियो इतना एक मोलिक्यूल में होते हैं सिक्स कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन सिक्स ऑक्सीजन अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें से कॉमन क्या है सिक्स तो सी एच टू ओ ये जो है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है अगर नहीं निकलता है तो टेंशन नहीं लेना है जो मोलिकुलर फॉर्मूला वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है चलिए ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम हो यह है नंबर चार ये लीजिए सी ए सीओ थ्री ये खुद ही एम्पेरिकल फॉर्मूला है और खुद ही मोलिकुलर फॉर्मूला है मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ कॉमन नहीं है सी ए वन कार्बन वन ऑक्सीजन थ्री क्या कॉमन निकालेंगे वन कॉमन समझ गए तो और एक एग्जांपल ले, ले लेता हूं सी सिक्स एच सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन सिक्स हाइड्रोजन सिक्स ये बेंजीन का फॉर्मूला है तो ये है मोलिकुलर फॉर्मूला तो एंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ एंपेरिकल फॉर्मूला हुआ सी एच एम्पेरिकल फॉर्मूला है अब डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो द सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो जैसे ये जो सी एच है सी एच सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो और ये वाला जो है एग्जैक्ट वॉल नंबर रेशियो एग्जैक्ट क्या होता है एग्जैक्ट वॉल नंबर रेशियो सी टू एच टू एक्जेक्ट वॉल नंबर रेशियो सी टू एच टू वैसे सुगर में एग्जेक्ट वॉल नंबर रेशियो सी सिक्स एच सिक्स एम्पेरिकल में सिंपलेस्ट सिक्स कॉमन निकाल के हम बनाते हैं सी एच टू ओ तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में आता है ये एग्जेक्ट रेशियो में आता है आगे बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं ये पूरा क्वेश्चन आप लिख के दो डेफिनेशन लिख के क्या मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है वो जरा देख लेना ठीक है तो अब आप हेडिंग आपको लगाना है लिखिए इसके बाद हेडिंग लगाना है ठीक है लिखो स्टेप्स टू डिसाइड स्टेप्स टू डिसाइड स्टेप्स टू डिसाइड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला बेस्ड ऑन ई एफ बोले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एम एफ बोले तो मोलिकुलर फॉर्मूला हेडिंग लगाना ये क्वेश्चन नहीं है बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रपोर्शन बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट आपको एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए जाते हैं आपको डिसाइड करना है आपको ढूंढना है तो ये वाला जो है कंसेप्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन नहीं है ये एक टाइप का प्रैक्टिकल वर्क है जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक मटेरियल है मतलब कंपाउंड है उसमें टेन परसेंट कार्बन है फिफ्टी परसेंट हाइड्रोजन है ठीक है थर्टी परसेंट ऑक्सीजन है टेन परसेंट नाइट्रोजन है बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बहुत ही बढ़िया बात है तो आपको राइट डाउन डाउन साइड वी हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स ये क्वेश्चन नहीं है आपको ये समझना है कि कितने स्टेप्स में ये जाएगा वी हैव टू फॉलो वी हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स साथ साथ में लिखते जाना है। पहला स्टेप है आपको एक टेबल बनाना होता है उसमें पहली कॉलम फर्स्ट कॉलम राइट बाद में मैं दो तीन प्रैक्टिकल सम करके भी बताऊंगा राइट सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। राइट द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सब एलिमेंट्स के सिंबल राइट करने हैं यहाँ पे जगह नहीं है ये एलिमेंट्स ई ई ई एल एम एन टी एस दूसरा स्टेप है जो हम कॉलम में करेंगे सेकंड स्टेप राइट एटॉमिक मास राइट एटॉमिक मास एम बोले तो एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में राइट एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉलम में ही लिखना है टेबल बनाना है हमें अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रैक्टिकली तब तक ये सात स्टेप सात आठ स्टेप है जो आपको सिर्फ मेमोराइज करना है प्रिपेयर नहीं करना है ये कोई क्वेश्चन नहीं है मैं दिखा रहा हूं कि क्या करना है ठीक है right elements, जो elements गए, उसके एटॉमिक मास दूसरे कॉलम में लिखने हैं थर्ड थर्ड कॉलम में राइट परसेंटेज प्रपोर्शन परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स मैं सीधी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बुक में इतना सीधा नहीं है तो ये स्टेप लिख लेना तीसरी कॉलम में हम लिखेंगे पहले लिखना सिंबल दूसरी कॉलम में सबका एटॉमिक मास तीसरी कॉलम में हम जो परसेंटेज हमको दिए हैं वो लिखेंगे फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे कॉलम नंबर चार में हम करेंगे फाइंड मोल रेशियो फाइंड मोल रेशियो मोल रेशियो कैसे फाइंड करेंगे जो परसेंटेज दिया है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ये करेंगे मोल रेशियो फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जिस एलिमेंट का परसेंटेज उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे पांचवा स्टेप पांचवी कॉलम आएगी फाइंड कंपेरेटिव रेशियो फाइंड कंपेरेटिव रेशियो तो उसमें क्या करेंगे सब रेशियो जो आपको मिलेगा ये मोल रेशियो उसमें से छोटा कौन है तो यहां पे नोट कर लो ऑल रेशियोस ऑल रेशियोस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रेशियो उसमें से जो छोटा रेशियो है अब सिक्स स्टेप आएगा कन्वर्ट कंपेरेटिव रेशियो इन टू वॉल नंबर स्टेप नंबर सिक्स और सीधा मैं बोल सकता हूं कि डिसाइड वॉल नंबर जैसे कि वो रेशियो आता है वन पॉइंट नाइन तो वॉल नंबर आएगा टू वन पॉइंट एट वॉल नंबर टू ठीक है तो सिक्स आपका स्टेप है डिसाइड वॉल नंबर बेस्ड ऑन कंपेरेटिव रेशियो बेस्ड ऑन कंपेरेटिव रेशियो जो आपका कंपेरेटिव रेशियो उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट कॉलम में वॉल नंबर डिसाइड करने हैं अब आपका सेवंथ नंबर स्टेप आता है स्टेप नंबर सेवन सेवन नंबर स्टेप में क्या करेंगे डिसाइड एम्पेरिकल फॉर्मूला डिसाइड वो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा अब ये सेवन नंबर पे आपको ये करना है डिसाइड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड यहां पे जब एम्पेरिकल फॉर्मूला डिसाइड हो जाए देन एंड फाइंड एंपेरिकल मास इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास शॉर्ट में हम लिखेंगे एफ एम क्या लिखेंगे शॉर्ट में एफ एम ठीक है अब आपको डिसाइड करना है इंटीजर एंड एन आठवां स्टेप है डिसाइड एन एन इज इक्वल टू मोलार मास जो आपको दिया जाता है प्रॉब्लम में डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास डिवाइडेड मोलार मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला आपका जो एन आता है अब लास्ट स्टेप स्टेप नंबर नाइन इसके लिए शायद जगह नहीं है फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो पहला काम क्या करना है पहला काम क्या करना है हाँ जी बोलिए पहले सिंबल लिख लो सिंबल लिखने के बाद साइड में उसके सामने एटॉमिक मास लिख लो बाद में जो हमारे न्यूमेरिकल में परसेंटेज प्रपोर्शन दिए हैं वो लिख लो ठीक है बाद में क्या करना है मोल रेशियो फाइंड कर लो क्या फाइंड कर लो मोल रेशियो मोल रेशियो कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसके एटॉमिक मास से उसके बाद कम्पेरेटिव रेशियो फाइंड करो कंपेरेटिव रेशियो कैसे फाइंड करेंगे

जो आपका कंपेरेटिव रेशियो आता है उसके उसके बेस पे आपको करना है वॉल नंबर डिसाइड करना है वॉल नंबर जैसे डिसाइड हो जाता है वॉल नंबर ऐसा आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट लाइक दैट ज्यादातर वन टू थ्री फोर अटक जाता है वॉल नंबर और वॉल नंबर के हिसाब से एंपेरिकल फॉर्मूला डिसाइड करो जैसे ही एंपेरिकल फॉर्मूला डिसाइड हो फॉर्मूला मास फाइंड कर लो अब एक इंटीजर फाइंड करना है एन ठीक है इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं तो ये जो एन है ये एन उसको कैसे हमको दिया जाता है डिवाइडेड बाय फॉर मास ठीक है अब एक नौवा स्टेप है नाइन्थ स्टेप जो यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन वो बहुत इजी है यहाँ पे जगह है तो मैं लिख लेता हूँ चलिए लिख लीजिए स्टेप नंबर नाइन और ये लास्ट स्टेप मोलिकुलर फॉर्मूला अब मुझे डिसाइड करना है मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू जो मैंने एन फाइंड किया है उससे मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना है तो ये नाइन्थ नंबर का स्टेप यहां पे आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा हाउ मेनी स्टेप्स आर देर नाइन स्टेप्स आर देर तो ये नाइन स्टेप थोड़ा अपने अपने दिमाग में रखिएगा नेक्स्ट टाइम आई विल गिव सॉरी वी विल सोल्व सम प्रॉब्लम्स इन विच सम डेटाज आर गिवन परसेंटेज प्रपोर्शन आर गिवन एंड वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला देन वी हैव टू डिसाइड द मोलेक्लर फार्मूला तो आज का जो काम है यहीं पे हम खत्म करते हैं सो बी रेडी फॉर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोलेक्युलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला ओके थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच